Now, Honourable Minister. धन्यवाद उपसभापति जी। ये चर्चा दोपहर 2 बजे शुरू हुई और 18 सांसदों ने इसमें भाग लिया। सबसे पहले मैं उन सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि एक दृष्टिकोण सदन में आया है, हालांकि तथ्य उसके बिल्कुल विपरीत हैं, जो एक एक चीज़ को सामने रख करके तर्क के साथ और तथ्य के साथ आपके सामने रखूंगी। चर्चा की शुरुआत आनंद भाई ने की और मैं धन्यवादी हूँ उनकी कि उन्होंने पूरे विश्व का आज का नक्शा सामने रखकर उसको शुरू किया। विश्व किस स्थिति में है, किन चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे में हमारी क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए, तो जिसे कहते हैं टोन सेट की उन्होंने कि ये चर्चा किस परिधि में होनी चाहिए। मैं धन्यवादी हूँ आपकी। अगला वाक्य आपने कहा कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी विदेश नीति के कारण बहुत सम्मान कमाया, ये सत्य है, लेकिन इसके साथ ही एक वाक्य मैं जोड़ना चाहूँगी। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने व्यक्तिगत रूप पर सम्मान कमाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को सम्मान दिलाया। उपसभापति जी, विनय सहस्र बुद्धे जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि अब विश्व एक अलग दृष्टि से भारत को देखता है, ये सच है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जो बातें आपने यहाँ रखी वो तथ्य के विपरीत हैं। 16 सांसदों ने, मैं इतिहास को भी सामने बताऊंगी, 16 सांसदों ने, देखिए मैंने आपको बहुत ही आसानी से सुना और एक व्यक्ति हमारी ओर से खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनको टोकने के लिए, तो मैंने खड़े होकर कहा कि मैं उत्तर देने में सक्षम हूँ, आप बैठ जाइए। अब मैं पूरे सदन से कम ये निवेदन करूँगी कि सबने अपनी बात कह दी, अपना दृष्टिकोण दे दिया, तो सरकार का दृष्टिकोण भी सुनिए, शांति से सुनिए। 16 सांसदों ने जिन्होंने बोला उनमें से मुद्दे 16 नहीं उभरे, कम उभरे, लेकिन जो उभरे वो क्या थे? पड़ोसी देशों से संबंध, विनय सहस्र बुद्धे, स्वपन दास गुप्ता और दिलीप कुमार की को छोड़ के सबने ये कहा पड़ोसियों से हमारे संबंध खराब हैं। पाकिस्तान का मुद्दा उभरा, आपने पूछा रोडमैप क्या है। चाइना का मुद्दा उभरा, चाइना की पड़ोस में जो घुसपैठ है उसके बारे भी, और आज जो डोकलम और सिक्किम के सामने जो स्टैंड ऑफ है, मनीष जी और सतीश जी दोनों ने उसका जिक्र किया। रूस का मामला बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से रामगोपाल यादव जी ने उठाया। वेस्ट एशिया के बारे में शरद यादव जी ने चर्चा की, ये और इसराइल के बारे में सीताराम येचुरी भी बोले और आपने भी प्रारंभ किया था उस बात को। मैं इन तमाम बातों का जवाब दूंगी, सिर्फ शांति से सुनिए। जहाँ तक पड़ोसी देशों के संबंध का सवाल है, उपसभापति जी, मित्र की परिभाषा क्या है? हम किसे मित्र कहते हैं, फ्रेंड? जब एक देश संकट में पड़ा हो और जिससे मदद मांगे उसको वो मित्र की कैटेगरी में रखेगा? और जो मित्र सबसे पहले मदद को पहुंचे, जो देश, वो मित्र देश की कैटेगरी में आएगा? आप इतिहास की बात कर रहे हैं आनंद भाई, इतिहास गवाह है। मालदीव का पानी संकट आया, सुबह 7 बजे तत्कालीन उनकी विदेश मंत्री दुनिया मामून ने मुझे फ़ोन किया और 3 घंटे बाद रेल नीर का भरा हुआ जहाज मालदीव के लिए चल पड़ा। श्रीलंका में बाढ़ आई, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले कौन पहुंचा? भारत। और सारा सामान लगा कर ले गए और जब तक वहां के लोग बिल्कुल व्यवस्थित नहीं हो गए तब तक भोजन का प्रबंध, बाकी चीज़ों का प्रबंध सारा किया। उसके बाद जब डोनर्स कॉन्फ्रेंस हुई कि नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए क्या दिया जाएगा, शायद वो चाइना की तरफ देख रहे थे कि ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा बड़ी राशि $1,00,000,000,000 की भारत ने घोषित की। इसके बाद आप कहते कि हम मित्र देश नहीं हैं और आप अपनी बात कर रहे हैं आनंद भाई। 17 साल तक
भारत का कोई प्रधानमंत्री नेपाल की जमीन पर नहीं गया और उन 17 सालों में से 11 साल आपकी सरकार थी। और जो आप बात कर रहे हैं, दो तीन जगह ब्लॉकेड हो गया, ये हो गया, आपके समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, राजीव गांधी जी के समय जितना बड़ा ब्लॉकेड हुआ, याद है आपको? ये इतिहास, आपने कहा ना इतिहास, में इतिहास बता रही हूँ और इतिहास के माध्यम से ये तर्क दे रही हूँ कि जिस नेपाल के संबंधों की आप बात करते हैं, 17 साल तक भारत का प्रधानमंत्री वहाँ जाए नहीं तब संबंध अच्छे, और जो प्रधानमंत्री दो दो बार जाए उसके साथ संबंध खराब। आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, आपने कहा श्रीलंका में ग्वादर दे दी, कोलंबो दे दी, हम्बनडोटा दे दी, हैं? नहीं, आप बात कर रहे, आप चीन, मैं ये कह रही हूँ, आप पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहे थे ना कि चीन की घुसपैठ। मैंने कहा आपने दो चीज़ें उठाई, एक तो संबंध खराब है, दूसरा चीन की घुसपैठ है। तो चीन की घुसपैठ में आपने तीन नाम लिए, ग्वादर पोर्ट का नाम लिया, कोलंबो का नाम लिया, हम्बनडोटा का नाम लिया। तीनों में पोर्ट बनाई चाइना ने, मगर बनाई कब? 2008 में शुरू हुआ ग्वादर, शुरू हुआ हम्बनडोटा। नहीं, मेरे पास है पूरा, मैं बताती हूँ क्या है। और एक एक चीज बताऊंगी कौन कौन सी चीज शुरू। हम्बनडोटा, श्रीलंका हम्बनडोटा, पहला फेज शुरू हुआ 2008 में, किसकी सरकार थी? कंप्लीट हुआ 2011 में, किसकी सरकार थी? कोलंबो का। दूसरी बात, कोलंबो का कहते ना हम्बनडोटा के बाद, कोलंबो 85% चाइनीज मेजोरिटी के साथ स्टार्ट हुआ कब? 2011 में। ख़त्म कब हुआ? 2014 में। ग्वादर की बात आप कर रहे हैं, बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में। 2013 में चाइना ने सिंगापुरियन कंपनी से लिया, किसकी सरकार थी आनंद भाई, ये पूछना चाहती हूँ। आज आपको कंसर्न याद आया? आप आज हमारी विदेश नीति पर बोल रहे थे, इसलिए जो कंसर्न आप ये बता रहे हैं, उन कंसर्न के जन्मदाता आप हैं। अगर हम्बनडोटा का कंसर्न है, अगर कोलंबो का कंसर्न है, अगर ग्वादर का कंसर्न है, तो मैं कहना चाहती हूँ वो कंसर्न का जन्म कब हुआ? वो कंसर्न का जन्म आपके समय हुआ। इसलिए आज हमारी विदेश नीति पर ये आरोप मत लगाइए कि ये कोलंबो, ग्वादर, हम्बनडोटा हमने दी। हमने तो हम्बनडोटा सिक्योर की, और हमने हम्बनडोटा सिक्योर की। अब जो चाइनीज के साथ डील हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि कंट्रोल श्रीलंका का रहेगा और आपके सिक्योरिटी कंसर्न्स हम देखेंगे। हमने तो हम्बनडोटा में आपके कंसर्न को एड्रेस किया, बांग्लादेश, शेख हसीना यहाँ ही, क्या हमने कर दिया ऐसा जो उनके चुनाव के लिए खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के तौर पर जिस एलबीए को करके आए थे उसको हमने आगे बढ़ाया और उसका श्रेय दिया मैंने, उपसभापति जी, जिस दिन एलबीए मैं यहाँ पारित करवा रही थी, मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को श्रेय देकर शुरू किया था कि आपका अधूरा काम रह गया जिसको हम पूरा कर रहे हैं। आज बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अच्छे संबंध किसी के हैं तो वो भारत के हैं। भूटान की आप बात करते हैं, केवल फ्रेंड नहीं, केवल पड़ोस नहीं, डियरेस्ट फ्रेंड अगर भारत का कोई है तो हम उसको कहते हैं वो भूटान है। तब कौन से पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं? हमारे साथ कोई खड़ा ही नहीं, जरा तथ्यों को सामने रख करके बताइए कि कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा है। ये पड़ोसी देश के बारे में बताया आपने, कहा पाकिस्तान का रोड मैप, तो आनंद भाई हम लोगों ने सरकार आने से पहले ही घोषित कर दिया था। हमने सारे सार्क के देशों को दावतनामा भेजा था कि आइए शपथ ग्रहण समारोह में, और समेत पाकिस्तान के सब आए थे, और केवल सेरेमनी अटेंड करके नहीं चले गए थे,
अगले दिन बायलैटरल मीटिंग हुई थी, मैं बैठी थी उसमें, और उस बायलैटरल मीटिंग में तय हुआ था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स शुरू होंगी। हिचकोले खाते खाते बहुत उतार चढ़ाव आई 2 सालों में, लेकिन हमारे समय में कहाँ थी, 9 दिसंबर 2015 को जब मैं हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद गई, तो नवाज साहब ने साथ बिठाया सरताज अजीज साहब को और कहा कि जो ये कह रही हैं उस तरह से एक बार शुरू करो इस डायलॉग को, एक नए सिरे से नया नाम देकर कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी भी तरह का कोई शंका ना रह जाए। लोग कहते ना द्विपक्षीय वार्ता, हम जब कहते हैं कि हमारे दोनों के बीच में होगी, किसी और के बीच में नहीं होगी, हमने डायलॉग का नाम ही कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग, ताकि किसी को किसी तरह की गुंजाइश ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए। 9 दिसंबर को वापस कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हो ये तय हुआ, फॉरेन सेक्रेटरीज दोनों देशों के बैठकर मोडालिटीज तय करें ये तय हुआ। तो आप जो कह रहे हैं हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में, प्रधानमंत्री जी का लाहौर से, काबुल से लाहौर जाना इसी इनिशिएटिव का था, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनिशिएटिव था। आपने कहा कैसे गए, शेयर नहीं किया, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, 10 बार तो मैं बोल चुकी कि वो 25 दिसंबर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का जन्मदिन था, उन्होंने बधाई दी काबुल से, तो उन्होंने कहा आप जा रहे हैं तो यहाँ से होते हुए जाइए, यानी रिश्तों की ऊंचाई इतनी थी कि वो प्रोटोकॉल के चक्कर में न पड़ करके गए, ये था, ये थी स्थिति। तो कोई ये कहे कि पाकिस्तान के साथ हमने शांति की पहल नहीं की, हमने दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये नहीं। लेकिन कहानी बदरंग कब हुई, पठानकोट के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पठानकोट के बाद भी पाकिस्तान जो हमेशा डिनायल में जाता था, हर टेररिस्ट घटना के बाद वो ये पहली बार थी कि डिनायल में नहीं गया, और उसने कहा कि मैं हम सहयोग करने को तैयार हैं, हम जो SIT बनाएंगे आप आइए। कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का इनकाउंटर यहाँ हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर के उसको स्वतंत्रता सेनानी शहीद की संज्ञा दी, उसके बाद से चीज़ें बिगड़ी। तो आप ये कहते हैं रोड मैप क्या, हमने तो रोड मैप बना दिया था शांति का, दोस्ती का, पाकिस्तान की स्थिरता का, समझौते का, ये हमारा रोड मैप था। लेकिन रोड मैप एक तरफा नहीं चल सकता ना। अब आप कहते हैं कि रोड मैप क्या है, तो रोड मैप तय है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर, दिस इज द रोड मैप। जिस दिन टेररिज्म खत्म कर देंगे, जिस दिन आतंकवादी घटनाएं करनी बंद कर देंगे, उस दिन वापस वार्ता शुरू हो जाएगी, ये है रोड मैप। अब बात करते हैं, आप चाइना की बात करते हैं, जहाँ तक चाइना में डोकलम का सवाल है जो मनीष जी और सतीश जी ने खास तौर पे उठाया और आप लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बात कही आनंद भाई कि जिस समय 1962 में स्थिति बनी चाइना और भारत के बीच की, तो अटल जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को कि सदन बुलाओ, और प्रधानमंत्री नेहरू ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और सदन बुलाया। काश आज के विपक्ष ने ये किया होता। मैं बहुत दुखदायी हूँ, बहुत दुखी हूँ इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। और अगर मेरी जानकारी सही है, तो शायद आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उपसभापति जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आनंद भाई भी उसमें उपस्थित थे। नहीं, बिल्कुल है। क्यों है? क्या भारत का राजदूत बीजिंग में है या नहीं है? अगर भारत का राजदूत बीजिंग में हर किसी से मिल सकता है, अगर चीन और भूटान के राजदूत ने विपक्ष के लोगों से बातचीत करने की गुजारिश करी, तो हमारे अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है? बैठिए। उपसभापति जी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऑर्डर, स्वयं प्रश्न करने के बाद उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार ही नहीं किया, औचित्य ठहराया, जस्टिफाई किया। मैं यही कह रही हूँ आपसे, पहले विपक्ष को भारत का दृष्टिकोण समझना चाहिए था, उसके बाद चीनी राजदूत को बुलाकर कन्फ्रंट करना चाहिए था कि हमारा तो ये पक्ष है।
विनम्रता से बड़े आदर से आपसे कहूंगा, नहीं आप बैठिए, बहुत आदर से कहूंगा, एक बात बहुत आदर से, सिर्फ एक बात कहूंगा आपको आदर से, सुनिए, हमने चीन के बारे में, हमने चीन के बारे में आपसे साफ कहा था। Are you yielding? Are you yielding? बारे में हमने साफ कहा। Are you yielding? Not yielding. She is not yielding. बाटी बाटी है मत आप सदन को। हमने कहा था। She is not yielding. आनंद शर्मा जी, she is not yielding. She is not yielding. Okay, आनंद शर्मा जी बैठिए। She is not yielding. Please proceed. मैं बिल्कुल भी इस विषय को नहीं लाती अगर आनंद शर्मा ये नहीं कहते कि उस समय अटल जी ने कहा था सदन बुलाने के लिए और पंडित नेहरू ने बुलाया था। हमने तो इनकी इंतजार भी नहीं की, इन्होंने जो किया जो किया, चीन के राजदूत से मिले और चीन के राजदूत से उनका पक्ष सुना, उनका पक्ष सुना, लेकिन हमने अपनी ओर से ये सोचा कि सभी राजनीतिक दलों को इस स्थिति से अवगत कराना चाहिए और दो दिन के लिए मैंने मीटिंग बुलाई, चार सांसदों तक की पार्टी को एक दिन, एक सांसद की पार्टी को, एक सांसद तक की पार्टी को अगले दिन, ताकि जो आज डी राजा जी के साथ हुआ वो ना हो। दो अलग अलग इसलिए बुलाई कि जब इकट्ठी बुलाई जाती है तो बड़ी पार्टियां समय ले लेती हैं, छोटियों का समय आता है तो लगता बंद करो बंद करो बंद करो। दो दिन बुलाई और पूरी की पूरी स्थिति समझाई, और वो चूंकि विदेश मंत्री स्वयं रहे उन्होंने समझी, और बैठक ऐसे बनने की, मैंने कहा जो प्रश्न आपके थे उनके उत्तर मिल गए, जो जिज्ञासाएं आपकी थी शांत हो गई, उन्होंने कहा हाँ, तो मैंने कहा खत्म करूं मीटिंग, उन्होंने कहा हाँ, पूरी तरह से संतुष्ट होकर के वहां से विपक्ष लौटा। और मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूं विपक्ष की कि जो सरकार की सोच थी कि इस तरह की चीज़ें डिप्लोमेटिक चैनल से तय होनी चाहिए, और मैं ये कहती हूँ कि धैर्य और संयम और उसमें भी भाषा संयम बेहद ज़रूरी होता है इस तरह की चीज़ों को सुलझाने के लिए। अगर आप धीरज खोते हैं, अधीर होते हैं, उतावले होते हैं, तो कभी भी संकट का हल नहीं निकलता। अगर आप भाषा संयम खोते हैं तो दूसरा प्रवोक होता है, इसलिए हल नहीं निकलता। तो हम धीरज भी बनाए हुए हैं, भाषा संयम भी बनाए हुए हैं, और इसलिए हमने अपने तमाम लोगों को नक्शे के साथ क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। मैं अंत में, क्योंकि चाइना पर जो स्टैंड उन्होंने कहा कि क्या है वो आपको मालूम है, विदेश मंत्री आप रहे हैं कि अपने यहाँ ये प्रथा है कि हम जो स्टैंड्स हैं उनको लिखकर पढ़ते हैं ताकि कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती ना हो जाए, तो मैं अंत में सबसे ज़्यादा वही लूँगी, पहले मैं बाकी चीज़ों का जवाब दे दूँ, लेकिन जो हमारा स्टैंड है उसको मैं पूरे का पूरा पढ़कर जो भारत सरकार का स्टैंड है बताऊँगी, ताकि उसमें किसी भी तरह का ये गुंजाइश ही ना बचे कि आप उसका कोई और अर्थ निकाल सकें, आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था, तो इसीलिए उसको मैं बिल्कुल अंत में लूँगी। लेकिन मैंने ये कहा कि हमने अपनी ओर से पहल की और सबको ये बात बताई कि चाइना और भूटान के बीच में और सिक्किम के बॉर्डर पे ये जो स्टैंड ऑफ है वो क्यों है और उसमें हमारा क्या मत है। और मैंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इससे सहमत हुए, शरद पवार जी और मुलायम सिंह यादव दो पूर्व रक्षा मंत्री उसमें थे बैठक में, और उन्होंने भी ये कहा, बल्कि शरद पवार जी ने तो अपना एक उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे समय में ये ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखी थी, आप भी धीरज मत खोइए। हमने कहा हम बिल्कुल धीरज नहीं खोएंगे, हम बिल्कुल भाषा संयम बना करके रखेंगे ताकि इसका हल निकले। अब रामगोपाल यादव जी से मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा युद्ध की तैयारी रखो, रामगोपाल जी युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा ये है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। सर यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती है युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। आपने कहा कि आप अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाइए, तभी पड़ोस के लोगों को लगेगा कि चीन अगर हम पर हमला करेगा तो हमें आप बचा लेंगे। युग बदल गया रामगोपाल जी, युग बदल गया, अब सामरिक क्षमता से देश नहीं जाने जाते, अब आर्थिक क्षमता से देश जाने जाते हैं। और इसीलिए जो शरद यादव जी ने बात की उनसे सहमत हुए तो हुए, मैं ये कहना चाहूँगी कि आज पड़ोसियों को ये नहीं है कि चीन उन पर हमला करेगा तो भारत का साथ चाहिए,
अगर भारत की सामरिक क्षमता बढ़ते हुए देखेंगे तो हम ही से डरने लगेंगे कि पता नहीं यही हम पे हमला करेंगे। आज पड़ोसियों को अपने विकास में आर्थिक मदद चाहिए, और इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास का मतलब केवल देश के अंदर का नहीं है, मैं चाहता हूं कि भारत की प्रगति में मेरे हर पड़ोसी देश का विकास हो। ये जो भावना है ये पड़ोसी देशों को आश्वस्त भी करती है और ये उनको ये भी कहती है कि भारत का अगर विकास होगा तो भारत के विकास का लाभ हमें भी मिलेगा। इसलिए सामरिक क्षमता बढ़ाने की बजाय आज आर्थिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा अदब से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। मैं अगर आपको आंकड़ा दूँ, 116 बिलियन $ था 2014 में, हमारे से पहले मई 2014 से, आज बढ़कर 160 बिलियन $ हुआ है, 37% की बढ़ोतरी। तो जो बात सतीश मिश्रा कह रहे थे ना, नहीं है अभी इस समय, उन्होंने ये कहा था कि आप पूरे बायलैटरल रिलेशंस पर बात करो, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्टेक है, इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट उन्होंने लिए हुए हैं, वो सही कह रहे थे। और अगर वो होते तो मैं उनको बताती, पर आपके माध्यम से बात उन तक भी पहुँची और सदन तक भी। डोकलम पर निगोशिएट नहीं कर रहे केवल, हम बायलैटरल रिलेशंस पर बात कर रहे हैं चीन के साथ, पूरे के पूरे संबंध जो हैं समग्रता में हम बात कर रहे हैं इनके साथ, और हल भी उसी से निकलेगा। तो जहाँ तक आर्थिक क्षमता का सवाल है, जो देश हमारा बहुत बड़ा योगदान और सहयोगी बने हुए हैं उसमें चीन एक बहुत बड़ा देश है। इसलिए अकेला डोकलम मामला नहीं है, अगर बायलैटरल रिलेशंस पर उनसे चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। अब US के बारे में, उस दिन आनंद जी ने कह दिया कि स्पाउस का वीज़ा खत्म हो गया, संख्या H1 वीज़ा की खत्म कम हो गई। नहीं आनंद भाई, तथ्य बिल्कुल और हैं। तथ्य ये हैं कि शुरू में वीज़ा का की संख्या 65,000 थी, जब अटल जी की सरकार आई NDA की, उस समय वो बढ़कर 1,95,000 हो गई, 1,95,000। लेकिन दिसंबर 2004 में जब आपकी सरकार थी उस समय एक बिल पारित हुआ और वो संख्या धड़ाम से नीचे फिर 65,000 आ गई, 1,95,000 से 65,000 आपके कार्यकाल में हुई थी। और आज तक वो 65,000 और साथ में 20,000 वो लोग जो वहाँ से PhD किए हुए हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी से, वो संख्या बरकरार है, उसमें एक भी संख्या की कमी नहीं हुई। 65,000 जो H1B वीज़ा भारतीयों को मिलते थे और 20,000 जो वहाँ से PhD किए हुए हैं उनको मिलते थे, वो संख्या जस की तस बरकरार है। आपने स्पाउस वीज़ा की बात की, सबसे पहले तो ये बता दूँ ये स्पाउस वीज़ा दिलाया ही 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने, 2015 में, उससे पहले नहीं था। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है स्पाउसेस को। उन्होंने ये कहा कि यहाँ ये पढ़ी लिखी पत्नियाँ आती हैं, ये घर पर बैठी रहती, इनको भी नौकरी का मौका मिलना चाहिए, जो माना गया, स्वीकारा गया और उनको ये अधिकार मिला, उस अधिकार में राय रत्ती परिवर्तन नहीं हुआ। तभी मैंने कहा कि चीज़ें तथ्यों के विपरीत बोली गई। और जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं इसराइल की, खासतौर पे सीताराम येचुरी पर, US का एक आपका विषय था लिमोआ का, मैं लिमोआ पे भी बता दूँ, लिमोआ केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट है कॉमरेड, इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेस स्थापित कर दिया जाएगा, कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेसिंग का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो आपका कहना है ना कि हमारी सिक्योरिटी को कोई उससे खतरा पैदा हो गया, बहुत ही ध्यान से सावधानी से लिमोआ किया गया है और इसमें केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट के तौर पर हमने इसको माना है। अब इसलिए मैं जो कह रही थी कि तथ्य विपरीत हैं, तथ्य इसलिए विपरीत हैं कि पड़ोस की बात तो मैंने बता दी, आपने जो रामगोपाल जी कहा कि उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, कहा ना आपने, जब रूस हमारे साथ था तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। यही है आज की विदेश नीति की सफलता कि आज अमेरिका भी भारत के साथ है और रूस भी भारत के साथ। और मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, मैं ऐसे नहीं बोली, मैंने कहा ना मैं तथ्यों के साथ बोलूँ। ये 23 जून 2017, अभी डिफेंस मिनिस्टर रशिया क्या कह रहे हैं, आपने कहा ना डिफेंस मैकेनिज्म बना लिया पाकिस्तान के साथ बना लिया सीताराम येचुरी ने, और रामगोपाल यादव जी कह रहे थे, मैं बताऊँ, कोच कर रही हूँ उनको, वी आर डिटर्मिन टू गो अहेड
with building up cooperation in order to enhance to combat readiness of both countries armed forces and to exchange experience in various defense related matters. और इसके बाद जब स्पीकर गई वहाँ तो जुलाई 11 को अभी सदन चल रहा था जुलाई 11 को कहा रशिया शेयर्स इंडियाज कंसर्न्स ओवर सच चैलेंजेस इंटरनेशनल टेररिज्म वो पाकिस्तान का साथ देगा जो हमारा कंसर्न इंटरनेशनल टेररिज्म पे शेयर कर रहा है जो कॉम्बेटिंग हमारी आर्म्ड फोर्सेज को और ज़्यादा मजबूत और दुरुस्त बनाना चाहता है वो देश उनका साथ देगा ये हमारी सफलता है कि उस समय अमेरिका पाकिस्तान के साथ था रूस हमारे साथ था लेकिन आज भारत की विदेश नीति में अमेरिका भी हमारे साथ है और रूस भी हमारे साथ अगली बात कॉमरेड येचुरी ने कही इजराइल की उसने यही बात पाकिस्तान से भी कही नहीं सकता दूसरी बात मैं कहती इजराइल के बारे में नेम की पूरी हिस्ट्री रामगोपाल जी ने दी सीताराम येचुरी ने भी कहा आनंद शर्मा पहले एक बार फिलिस्तीन पे बोल चुके आज दोबारा उन्होंने उठाया इस विषय को मैं खड़े होकर पूरी दृढ़ता से कहना चाहती हूँ सभापति जी इजराइल हमारा मित्र ज़रूर है लेकिन पैलेस्टीनियन के कॉज को हम कभी लेट डाउन नहीं करेंगे ये हमारा संकल्प और मैं बताना चाहूँगी आप बैठे हैं आनंद जी आप विदेश मंत्री रहे हैं क्या आज से पहले इतने साल आपकी सरकार रही डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी 25वां साल है एक बार भी दो विदेश मंत्रियों के बीच जॉइंट कमीशन मीटिंग हुआ नेवर पहली बार हमने जेसीएम मैकेनिज्म बनाया मैं स्वयं गई और हमने पैलेस्टाइन के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मैंने स्वयं जेसीएम की और जब मैं गई तो पहले पैलेस्टाइन गई फिर इसराइल गई हमारे राष्ट्रपति गए पहले पैलेस्टाइन गए फिर इसराइल गए हमारे प्रधानमंत्री गए तो उनसे दो महीने पहले पैलेस्टाइन के प्रेसिडेंट यहाँ आए उन्होंने उनको रिसीव किया और वो केवल इसराइल क्यों गए क्योंकि उनकी ये साधारण यात्रा नहीं थी इसराइल की डिप्लोमेटिक रिलेशंस का 25वां साल था वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ही की सरकार के समय नरसिम्हा राव जी के समय स्थापित हुए थे उसकी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए वो गए और मैं वो जॉइंट स्टेटमेंट बताती हूँ आपने कहा नॉट ए वर्ड इन दिस स्टेटमेंट कॉमरेड नॉट ए वर्ड हाउ मेनी वर्ड्स Joint Statement 2017. The two Prime Ministers discussed the developments pertaining to the Israel-Palestinian peace process. They underlined the need for the establishment of a just and durable peace in the region. They reaffirmed their support for an early negotiated solution between the sides based on mutual recognition and security arrangements. फाइव सेंटेंसेस आपने कहा नॉट अ वर्ड दोनों ने बैठ करके बात की और मैं एक और चीज़ बता दूं जब मैं गई तो मेरी जेसीएम तो विदेश मंत्री के साथ थी लेकिन प्रेसिडेंट अब्बास के साथ एक लंबी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझसे क्या कहा उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ ये मामला सुलझ जाए तो इसराइल का झंडा पूरे अरब वर्ल्ड पर फहरे और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के बहुत अच्छे संबंध इसराइल के साथ हैं अपने गुड ऑफिसेज को यूज़ करके इस्तेमाल करके आप हमारा मसला सुलझवा सकते हैं ये कहा इन लोगों को चिंता है पैलेस्टाइन की पैलेस्टाइन वालों को चिंता नहीं है वो तो इसका स्वागत करते हैं फिर जब अभी प्रेजिडेंट अब्बास यहाँ आए तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड ड्रिल है आनंद भाई सबसे पहले EM जा कर के कॉल ऑन करती हैं तो जब मैं कॉल ऑन करने के लिए गई तो फिर उन्होंने ये बात दोहराई और प्राइम मिनिस्टर के साथ जब डेलीगेशन लेवल टॉक्स में थे जब रिस्ट्रिक्टेड टॉक्स में थे दोनों में मैं बैठी थी तो दोनों में उन्होंने ये बात दोहराई और उन्होंने ये कहा कि आप जो इसराइल के साथ आपकी दोस्ती है मित्रता है उसका लाभ उठा करके आप हमारा मसला सुलझवा दीजिए वो इसको पॉजिटिव रूप में ले रहे हैं हमारे इसराइल से रिश्तों को पैलेस्टीन पॉजिटिव रूप में ले रहा है सकारात्मक रूप में ले रहा है ये कह रहा है कि आप हमारा मसला सुलझाने में हमारी मदद करिए और यहाँ पूरे का पूरा सदन चिंतित है फिलिस्तीन की नीति निकल गई नेम से छूट गए पंडित जी ने कहा था अच्छा पंडित जी ने कहा था आपने कहा आनंद जी कि मैं बांडुंग में गई मैंने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया आपको याद है आप ये सवाल पहले उठा चुके और मैंने उत्तर क्या दिया था मैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस में गई थी लेकिन वहाँ किसी को बोलने का अवसर नहीं दिया गया था सिवा तीन जनों के जब मैंने वहाँ भाषण ही नहीं दिया तो मैं पंडित नेहरू का नाम कहाँ से लेके केवल तीन हेड ऑफ स्टेट्स बुलवाए गए थे
मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिलीवर्ड अ स्पीच एंड आई एम सेइंग दिस इन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वो मैं बता रही प्लेस इट टुमारो मॉर्निंग अ कॉपी ऑफ द स्पीच ऑफ वीके सिंह हु इज योर मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने आपसे कहा ना In the 60th anniversary of the Bandung, nahin, I will not, place it no, tomorrow, no, no, no. and I'll prove your government wrong. यही तथ्य गलत है. It was not the 60th anniversary of Bandung. It was 60th anniversary of Asia-Africa Conference. That is what the Bandung. Bandung Conference next day हुई है. मालूम होना चाहिए. Bandung Conference was Asia-Africa Conference. Bandung Conference next day हुई है. That is what the Bandung Conference was. Was there two Bandung conferences? Yes, there were two conferences. No, they, no. Yes, this there was were the two conference. conferences. Asia. Okay, okay. All right. All right. Now proceed. Upsabhapati ji, there were two conferences. 60th anniversary of Asia-Africa Conference, जिसमें हम सबको बुलाया गया था, लेकिन Bandung Conference अगले दिन जब हुई, केवल तीन heads of states को बुलाया गया, उसमें भी एक इंडोनेशिया के स्वयं के प्रेसिडेंट थे. तो वो जो कह रहे हैं कि वो बांडू के संस्थापक हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ प्रधानमंत्री नेहरू की फोटो थी, सब जगह इकट्ठी होर्डिंग्स थी, मेरा माथा गर्व से ऊँचा हुआ. लेकिन वहाँ चूंकि बोलने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैं पंडित नेहरू का नाम ले ही नहीं सकती थी. ये मैंने आपसे बात की, वो इंडो मैं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, दो कॉन्फ्रेंसेस थी. हाँ, तो एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस में वो बांडू की बात कर रहे हैं. अब ये दो अलग सम्मेलन है. तो उपसभापति जी, मैंने पड़ोस के बारे में बताया कि तथ्यों के विपरीत धारणा बनी है. मैंने रशिया के बारे में बताया कि अलग धारणा गलत बनी है. मैंने फिलिस्तीन के बारे में बताया. अब मैं वेस्ट एशिया पर आती हूँ. उपसभापति जी, मोदी सरकार आने से पहले अगर सबसे ज़्यादा उन लोगों को चिंता थी जो वेस्ट एशिया के बहुत समर्थक हैं, उन्हें ये थी कि शायद भारत की विदेश नीति में से वेस्ट एशिया गोल हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे वो मुस्लिम बहुल देश हैं, और इसलिए उनको लगता था कि अरब वर्ल्ड के साथ हमारा कोई रिश्ता अच्छा नहीं रह जाएगा. और उन्हें यह भी डर था कि वहाँ हमारे इतने ज़्यादा नंबर में श्रमिक हैं, उनका क्या होगा. लेकिन आज यहाँ कहना चाहती हूँ, आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते अरब वर्ल्ड के किसी के साथ हैं, तो हिंदुस्तान के साथ हैं. और इसका भी तथ्य देती हूँ, पहली बार आबू धाबी के क्राउन प्रिंस हमारी 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बनकर आए थे. दूसरा उदाहरण, सऊदी अरबिया में, जब सऊदी अरबिया में हमारे प्रधानमंत्री गए, तो सऊदी नरेश ने अपने देश का सर्वोच्च सिविल सम्मान से उनको नवाजा था. और तीसरा उदाहरण देती हूँ, जिसका जिक्र किया था रामगोपाल जी, आपने यमन का जिक्र किया था. मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अगर हम यमन से लोगों को निकाल कर ला सके, तो क्यों निकाल कर ला सके. लड़ाई किन के बीच में हो रही थी? सऊदी अरब और यमन. सऊदी अरब गोलाबारी कर रहा था, इस कारण से यमन का हवाई अड्डा बंद था. मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप एक बार सऊदी नरेश से बात करेंगे, अगर वो गोलाबारी बंद कर दें कुछ दिनों के लिए, तो हम अपने लोग निकाल लें. उन्होंने बात की, मेरे सामने बात की, तो सऊदी नरेश ने कहा कि कई दिनों के लिए तो नहीं, ऐसा करते हैं हर दिन 2 घंटे के लिए गोलाबारी बंद कर देते हैं, 9 से 11. आप यमनियों से बात कर लो, अगर वो हवाई अड्डा उस समय खोल दें, तो आप अपने लोगों को निकाल लो. कितनी जटिल स्थिति थी. 3 ही तरीके हैं लोगों को निकालने के लिए, जल थल नभ, या सड़क के रास्ते निकालो, या समुद्र के रास्ते निकालो, या आकाश के रास्ते निकालो. आकाश के रास्ते विमान से, समुद्र के रास्ते शिप से, और सड़क के रास्ते बस से रेल से. पूरे यमन में लड़ाई हो रही थी, कोई बस चल नहीं सकती थी. समुद्र में लुटेरे बैठे थे, पूरा का पूरा पायरेसी से ग्रस्त क्षेत्र है, और आसमान से गोलाबारी हो रही थी. ऐसी स्थिति में जब उन्होंने कहा कि सऊदी नरेश से बात हो गई है, और वो कह रहे हैं कि हम रोज़ नहीं 9 से 11 में 2 घंटे के लिए गोलाबारी रोक दिया करेंगे, तो अब तुम यमनियों से बात करो कि वो हवाई अड्डा खोल दें. ये थी भारत की विदेश नीति की सफलता. 9 से 11 रोज 2 घंटे सऊदी अरब गोलाबारी रोकता था और यमनी हवाई अड्डा खोलते थे, और उसके कारण से जनरल वीके सिंह गवाह हैं, व्यक्तिगत तौर पर जाकर खड़े थे. 4,700 लोग हम अपने निकाल कर लाए, 2,000 विदेशी निकाल कर लाए, और वो छोटे मोटे देश के विदेशी नहीं थे,
रामगोपाल जी 48 देशों के लोग निकाल कर लाए, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मन। नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ, आपने जो तारीफ की ना, नहीं उसी से शुरू किया। आप कॉमरेड से बात कर रहे थे, कॉमरेड येचुरी से बात कर रहे थे, और आपने नहीं, मैंने उसी से शुरू किया कि रामगोपाल जी ने जो यमन में निकालने की तारीफ की, वो हमारी विदेश नीति की सफलता का एक बहुत बड़ा मानक है कि क्यों निकाल के ला सके। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि भारत में अगर एक तरफ सऊदी भी साथ देता और यमन भी साथ देता है, अमेरिका भी साथ देता है, रूस भी साथ देता है, इसराइल भी साथ देता है, फलस्तीन भी साथ देता है, पड़ोस साथ देता, और आप कहते हम अकेले खड़े, हमारा कोई साथ ही देने वाला नहीं, हम तो अकेले खड़े, हम तो पूरी दुनिया में अकेले खड़े। ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा तरीका है? और ये सारी चीजें मैं प्रूफ दे करके, सबूत दे करके बोल रही हूँ, एक एक चीज को, एक एक चीज को सबूत दे करके बोल रही हूँ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जिस विदेश नीति की इतनी ज्यादा प्रशंसा की जानी चाहिए कि विश्व में इतने तरह के शंकाएं, इतनी तरह की चुनौतियां जिस समय हैं, उस समय जर्मनी भी हमारा दोस्त है, फ्रांस भी हमारा दोस्त है, ब्रेक्सिट के बावजूद ईयू भी हमारा दोस्त है, ब्रिटेन भी हमारा दोस्त है, पड़ोस के लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, यूएस भी हमारा दोस्त और रूस भी हमारा दोस्त है। अमेरिका के बारे में दो टिप्पणियां आई आपत्तिजनक थी, एक तो शरद यादव जी ने कहा हम रमुआ हैं, वो हरिया हैं, और आपने कहा कॉमरेड कि हम तो यूएस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बहुत ही जूनियर पार्टनर लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि अपने देश के बारे में ऐसी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूँगी हम रमुआ नहीं है उपसभापति जी। वहाँ से सवाल आया क्लाइमेट चेंज का, जिस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के लिए भारत ने पेरिस समझौता कर दिया, एक घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि हम किसी के पैसे के मोहताज नहीं हैं, कोई रहे इसमें या ना रहे, हम इस कारण जलवायु परिवर्तन में रहेंगे कि हमारी प्रतिबद्धता आज की नहीं है, 5,000 सालों की प्रतिबद्धता है, 5,000 सालों की प्रतिबद्धता के कारण हम है, कोई रहे या ना रहे भारत रहेगा। तब अगर यूएस हमारे बारे में ये बोलता है तो हम में ये दम है, मोदी में ये मादा है कि वहीं खड़ा होकर के वो प्रेसिडेंट ट्रंप को चुनौती दे सकते। इसलिए राजीव शुक्ला बोलते वो ऐसे बोलते, अरे वो ऐसे बोलते ये याद है, मोदी ने कहा ये याद नहीं है, ये बोला ना आपने कि ट्रंप ने ये कहा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये कहा तो संसदीय मर्यादा है कि रहो अगर बोले हो तो, लेकिन उसका पालन कौन करता है? आप बता दीजिएगा आनंद जी उनको कि उन्होंने ये कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ये बोले, अरे भाई राष्ट्रपति ट्रंप जो बोले वही याद क्यों है एक कान में, मोदी जो बोले वो याद रखो ना। वो चुनाव की सभा का रखते हैं, minister is a very senior and I've got no issue, sir, I just want to make a clarification. If she yields, uh-huh. If she yields, sir, main aapse yahi keh rahi hu, I was only making a clarification. If she yields, there was a discussion here on the Bandung conference. She has to, we have wi-fi in the Rajya Sabha. No, if she has to yield, the text of the Bandung conference is here. It's not Bandung, it is Asia Africa conference. Sir, Bandung is here. No. What Anand Sharma ji was saying, Derek, the text of the conference is here. There is no mention of Pandit Nehru. That's I'm all. Telling you. That's, okay. That she admitted. No, she also said that. In 2 days. No, not no mention. Bandung was in Bandung. Ye do sammelan the, Derek ji, aur dono alag alag jagah the. Jo Bandung conference thi, wo Bandung mein hi thi. बैंडुंग में हम नहीं गए, मतलब हम गए हमें बोलने का वहाँ मौका नहीं था। बहुत हो गया आप बार बार एक ही चीज को कह जा रहे हैं, दस बार स्पष्टीकरण दे दीजिए। नो मिनिस्टर, यू नीड नॉट रिएक्ट, यू रिप्लाई एंड एशिया अफ्रीका कंट्री, यू नीड नॉट रिएक्ट टू एवरीथिंग, यू ओनली रिप्लाई। उपसभापति जी, मैंने कम से कम 10 बार इसका स्पष्टीकरण दिया है, ये दो अलग कॉन्फ्रेंसेस थी, दो अलग स्थानों पर थी, दो अलग दिनों में थी। ओके, बैंडुंग कॉन्फ्रेंस अगले दिन थी, बैंडुंग में थी, उस कॉन्फ्रेंस में हमें बोलने का अवसर नहीं था। जो ओके दैट्स वेरी क्लियर, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस थी वो एक दिन पहले थी और अलग शहर में थी। यानी दो कॉन्फ्रेंसेस, दोनों कॉन्फ्रेंसेस
दो दिन में दोनों कॉन्फ्रेंसेस दो अलग स्थानों पर, दोनों के नाम अलग। बांडुंग कॉन्फ्रेंस में हम लोग बुलाए गए थे बोलने के लिए, केवल तीन लोगों का को समय मिला। बार 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 उसी चीज को उठाया जा रहा है। यू सेड इट मेनी टाइम्स, दैट्स ओके। वो संतुष्ट हो गए, अच्छी बात है। नहीं, मैं यही कह रही थी कि भारत भारत की विदेश नीति इस समय इतनी ज्यादा ऊंची है और इतनी ज्यादा अच्छी है कि पूरे विश्व के लोग और विश्व के पटल पर, ये कहते हैं विदेश यात्रा में जाते हैं विश्व के पटल पर, जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो आज वो ग्लोबल एजेंडा शेप करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। G20 में जाते हैं काले धन की बात करते हैं, दोबारा G20 में जाते हैं टेररिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं अगर पेरिस में जाते हैं तो, जब SDGs तय होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उसमें पॉवर्टी एलिविएशन डलवाते हैं। आज भारत ग्लोबल एजेंडा को शेप कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। अगर वो SCA के मेंबर बन के जाते हैं तो अस्ताना में जब बात करते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, तो आर्टिकुलेशन जो कहा कि सुषमा जी का बयान, वो मेरा बयान नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कही गई बात है कि लेट अस नॉट कन्वर्ट आर डिफरेंसेज इनटू डिस्प्यूट्स। और रामगोपाल जी, वो सीमा विवाद के बारे में नहीं था, सभी मतभेदों के बारे में था। वो मेरा वक्तव्य नहीं था, वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का था। और वक्तव्य भी नहीं था जब उन्होंने अस्ताना में बात की, तब उन्हें कहा कि मतभेद होते हैं देशों के बीच में, हमारा भी बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, बाकी मतभेद हैं, NSG पे मतभेद उभरा हुआ है, लिस्टिंग ऑफ मसूद अजहर पे उभरा हुआ है, CPEC पे उभरा हुआ है, लेकिन हम अपने मतभेदों को विवादों तक ना बढ़ने दें, विवादों में ना बदलने दें, ये उनकी बात। लेकिन मैं हैरान थी, CPEC मुझे राजीव शुक्ला खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम OBOR कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए और हम CPEC का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे, नेपाल बन गया, बांग्लादेश बन गया। उपसभापति जी, CPEC कहां से जा रहा है इसकी खबर है उन्हें? रात और दिन हम कहते हैं कि POK हमारा अभिन्न अंग है, POK इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पूरे का पूरा कश्मीर हमारा है। CPEC POK के 400 किलोमीटर में से निकल रहा है, ये हमारी सॉवरेनिटी का, आपने कहा, आप ही के पार्टी के हैं ना राजीव शुक्ला, आपके सामने कहा ना कि हम OBOR में क्यों नहीं गए, हम CPEC हम मान क्यों नहीं लेते? अरे हम मान क्यों नहीं लेते? ये टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है, ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है, और आप चाहते कि हम OBOR में चले जाएं? क्या कहें कि POK हमारा हिस्सा नहीं रहा, आप कनेक्टिविटी के नाम पर वहां सड़क बना लीजिए? ये तो यहाँ कहा गया है। मैं कह रही हूँ कि चीन के प्रति की जो बातचीत है उसमें चीनी राजदूत से तो पूछेंगे डोकलम, और यहाँ खड़े होकर सदन में कहेंगे CPEC को जाते क्यों नहीं, यानी दे दें 400 किलोमीटर, बनाए चीन सड़क, ये कौन सी नीति है? अरे भाई, प्रमुख विपक्षी दल हो, जिम्मेदारी की तरह बात करो। और आपने कमीने, आपका नाम कब लिया? जिसने कहा उसकी बोलो। मैं बात राजीव शुक्ला की कर रही हूं, आपकी नहीं कर रही। हाफ ऑफ द पार्टी, दैट वाज हर हिज इंडिविजुअल ओपिनियन, दैट वाज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन। भाईजान, आप भी यहीं बैठे थे, आर यू यील्डिंग? नेता प्रतिपक्ष यहां बैठे थे, उपने, दैट वाज हिज इंडिविजुअल ओपिनियन। ओके ओके, I said so. मैं आपको थोड़ी कह रही हूँ, आपकी पार्टी का, अच्छा मुझे ये बताइए, एक मिनट, मैं आपकी बात मानती हूँ, क्या आपकी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि विदेश नीति पर आनंद शर्मा कुछ बोले और राजीव शुक्ला कुछ? सदन में सबने सुना कि नहीं सुना कि CPEC क्यों नहीं दे देते, OBOR में क्यों नहीं गए? इसलिए मैं कहना चाहती हूँ उपसभापति जी, इस तरह की बात तो सदन में कही गई है। आनंद शर्मा जी को तो मैं कही, आपको एट्रीब्यूट थोड़ी कर रही हूँ, ये रिमार्क्स जिसने बोला उसको एट्रीब्यूट कर रही हूँ, और सबने सुना। कैसे बोलने दिया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, ये बात कहाँ से आई उनके दिमाग में कि CPEC हम विरोध क्यों कर रहे हैं CPEC का? और इसीलिए मैं कहती हूँ उपसभापति जी, जो विषय थे उनका तो जवाब मैंने दे दिया, सारे विषयों का जवाब मैंने दे दिया। जो नवनीत कृष्णन जी कह रहे थे कि श्रीलंका के प्रति हम सॉफ्ट हैं, यू सेड कि हम वी आर सॉफ्ट टुवर्ड्स श्रीलंका, नो नवनीत जी,
जहां भी सिक्योरिटी का प्रश्न आता है वहां बहुत ही वहीमेंटली, और जहां भारतीय मछुआरों का सवाल आता है वहां भी पुरजोर ढंग से हम श्रीलंका के सामने अपना विरोध दर्ज कराते हैं। हम सॉफ्ट नहीं हैं। लेकिन एक बात और कह करके ख़त्म करना चाहूँगी कि हमारे कुछ साथियों को झगड़ा लगाने की आदत है। आनंद शर्मा ने थोड़ी सी चिंगारी डाली, शरद यादव ने आगे बढ़ाई, कॉमरेड सीताराम यूचुरी ने आगे और ज़्यादा आग लगा दी, बाद में राजीव शुक्ला उसमें आ गए और उसके बाद आ गए बाजवा जी। सबने एक बात, आपका उपयोग नहीं हो रहा। पीएमओ नीति चलाता, वो नीति बनाता। पहले तो आपने मुझे कहा आप साथ क्यों नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन नहीं ले जाते, यही कहा ना ऐसा। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, आप कितनी बार सलमान खुर्शीद को अपने साथ ले गए, कितनी बार एसएम कृष्णा को अपने साथ ले गए, कौन से प्रोटोकॉल के तहत विदेश मंत्री हर बार प्रधानमंत्री के साथ जाता है। प्रोटोकॉल ये है आनंद जी, आप तो जानते हैं, जिन मल्टीलेटरल में विदेश मंत्रियों का स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे सार्क में स्पेसिफिक रोल है हमारा, तो हमेशा विदेश मंत्री जाते हैं, वरना विदेश मंत्री अपनी अलग यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री अलग यात्रा करते हैं, तभी पूरा का पूरा संसार पूरा हो पाता है। और जब मैं यात्रा करती हूँ तो मैं केवल विदेश मंत्री से मिलकर नहीं चली आती। आज भारत का वो बुलंदी आ गई है कि वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री दोनों मुझे मीटिंग्स देते हैं और उनसे मिलने के बाद में आती हूँ। और मैं एक बात और कह दूँ, ये जो कहा जाता है ना, और ये जो कहा जाता है ना कि पीएम, ये जो कहा जाता है कि पीएम नीति चला रहे हैं, आप तो स्वयं साक्षी हैं इसके। मेरे से पूर्व वाले सरकार, नहीं आपसे भी मिलते थे, मैंने ये कब कहा नहीं मिलते थे, मेरे से पूर्व के विदेश मंत्री पता नहीं कैसा भाग्य लेकर आए थे, क्योंकि उस समय तो ना नीति एनईए ड्रिवन थी ना ईएम ड्रिवन थी, उस समय तो नीति पीएमओ ड्रिवन थी, नॉट पीएम, पीएमओ ड्रिवन थी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिला है जहाँ एमईए पूरे का पूरा सहायक का रोल करता है और हर नीति तय करते समय प्रधानमंत्री मुझसे विचार विमर्श करते हैं। डंके की चोट पर सदन में कहना चाहते हैं, अब मैंने कहा था कि मैं अंत में जो चीन का मामला है उस पर हमारा क्या स्टैंड है वो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी, तो वो मैं पढ़ दूँ, उतनी अनुमति मुझे दे दीजिए। आनंद भाई, मैंने कहा था कि विदेश नीति का, अब फिर आप लोग बात करोगे फिर कहोगे मुझे सुना नहीं, आपने मेरा नाम नहीं लिया, अब बात मत करो। जो इंडिया का स्टैंड है जो सबने जानना चाहा है, और अलग से नरेश अग्रवाल जी का नोटिस था, वो चाइना पर जानना चाह रहे थे, और मैंने कहा था कि सारे नोटिसेस क्लब कर दो और सबको बोलने का मौका मिल जाए, तो मैं इंडिया पे, इंडिया पे हमारा क्या, उसी पे दे रही हूँ, लेकिन सब लोग पूरे पर भी जानना चाह रहे हैं तो मैं ये दे रही हूँ स्टेटमेंट। ये इंडिया का स्टैंड है चीन के प्रति, जो मैंने वैसे कहा कि धैर्य और भाषा से। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन, आवर रिलेशंस विद चाइना हैव रिसेंटली कम अंडर रिन्यूड फोकस ड्यू टू डेवलपमेंट्स इन द डोकलम एरिया इन द सिक्किम सेक्टर क्लोज टू द इंडिया चाइना भूटान ट्राई जंक्शन बाउंड्री पॉइंट। India's position on this issue has been articulated in the press statement issued by Minister of External Affairs on June 30th. Our concerns emanate from Chinese actions on the ground, which have implications for the determination of Tai Junction boundary point between India, China and Bhutan, and the alignment of India-China boundary in the Sikkim sector. Both these aspects of Tai Junction point and India-China boundary alignment in the Sikkim sector had been earlier addressed in our written common understanding reached between the special representatives of India and China on the boundary question in December 2012. Point 13 of the common understanding states that, on quote, the tri-junction boundary points between India, China and third countries will be finalized in consultation with the concerned countries. Since 2012, we have not held any discussions on the tri-junction with Bhutan. The Chinese action in the Doklam area is therefore of concern. With regard to the boundary in Sikkim sector,
there are still steps to be covered before the boundary is finalized. This understanding has been reflected in the common understanding of December 2012 in point number 12, which states that, I quote, there is mutual agreement on the basis of the alignment of the India-China boundary on the basis of, I'm underlining, there is mutual agreement on the basis of the alignment of the India-China boundary in the Sikkim sector as provided by the convention between China and Great Britain relating to Tibet and Sikkim signed in 1890. Then, during the 8th Special Representative meeting in June 2006, the Chinese side had in fact handed over a non-paper for separate agreement on the boundary in Sikkim sector. The non-paper had proposed that both sides, I'm again quoting, that both sides may, based on the above mentioned historical treaty, that is 1890 convention, verify and determine the specific alignment of the Sikkim sector and produce a common record. On this basis, as an initial result of the boundary settlement, both sides may negotiate and sign an agreement on the boundary alignment in the Sikkim sector to replace the historical treaty. Subsequently, in special representatives' meetings, the Chinese side has made the proposal for finalizing the boundary in Sikkim sector, terming it as an early harvest of the SR process. This clearly confirming that the boundary is in the Sikkim sector is not yet finalized. Otherwise, they would not have used this term, early harvest, as we say, low-hanging fruit. It was an early. Yes, we have noted the Chinese side has selectively quoted parts of Prime Minister Jawaharlal Nehru's letter, selectively they are quoting, of 22nd March 1959, pertaining to the India-China boundary in the Sikkim sector. A full and accurate account of that letter would have also brought out that Prime Minister Nehru's assertion was clearly based on the boundary alignment as shown in our Indian published maps. The Chinese side in their recent document published on the website of their foreign ministry have expressed commitment to maintaining peace and tranquility in the India-China border areas. India always believes that peace and tranquility in the India-China border areas is an important prerequisite for smooth development of our bilateral relations. We will continue to engage with the Chinese side through diplomatic channels to find a mutually acceptable solution on the basis of the Astana consensus between our leaders. I note the sense of the House is supportive. In this regard, in keeping with the unique and traditional friendship with Bhutan, we will also continue to maintain close consultation and coordination with the Royal Government of Bhutan. Thank you. Okay, thank you very much. Now, message from Lok Sabha Secretary General. I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd of August 2017 adopted the following motions. 1. Recommending to the Raj Sabha that the Raj Sabha do agree to appoint 3 members of the Raj Sabha to serve as members of the Joint Committee on the Citizenship Amendment Bill 2016 on the vacancies to be caused by the retirement of Sri Dilip Bhai Pandya, Sri Derek O'Brien and Sri Bhattacharya on the 18th of August 2017 and communicate to the Lok Sabha the names of members so appointed by the Raj Sabha to the Joint Committee. And 2, recommending to the Raj Sabha that Raj Sabha do agree to appoint 1 member of Raj Sabha to serve as member of the Joint Committee on the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Amendment, Second Bill 2015 okay, in the vacancy you, to be caused by the retirement of Sri Derek O'Brien on the 18th of August 2017 and communicate to the Lok Sabha the name of members so appointed by the Raj Sabha to the Joint Committee. Okay, thank you.